वेलकम टू मोस्टली मॉम। वी आर एट मिस्ट ऑफ द बेबी स्लीपिंग सीरीज, जहां पर मैं ऑलरेडी एक वीडियो अपलोड कर चुकी हूं। मैंने आपको बताया कि बच्चों को सही से सुलाने का क्या तरीका है। आज की वीडियो में हम बात करेंगे ऐसे 5 मिथ्स के बारे में जो जनरली आपको बताए जाएंगे टू फॉलो टू यू नो मेक द चाइल्ड स्लीप इन अ बेटर मैनर, बट ट्रस्ट मी दे आर नॉट वर्थ इट। हु एम आई? आई एम अ मदर ऑफ 2 बॉयज हु अपलोड्स अ वीडियो रिगार्डिंग पेरेंटिंग ऑन एवरी मंडे, वेडनेसडे एंड फ्राइडे। In fact, I am a maternal and child nutritionist as well. So, mind it, you are getting all the details from a person who is certified for it. So, without wasting any time, quickly let's start our video. The first myth regarding the baby sleep is that you put honey on the soothers and they will sleep well. Really? मैंने ये मिथ बहुत लोगों से सुना है कि आप अगर बच्चे को टीथिंग हो रही हो, आप हनी से उनके गम्स की मालिश कर दीजिए एंड बच्चे को बहुत सूदिंग में फीलिंग आती है। आपका बच्चा सोता नहीं है, आप उनके सूदर पे हनी लगा दीजिए और वो उसको आराम से यू नो सूदिंग इफेक्ट देगा और कामिंग इफेक्ट देगा और बच्चा सो जाएगा। आपको पता है, बींग अ चाइल्ड न्यूट्रिशनिस्ट, आई वुड लाइक टू टेल यू दैट हनी बिफोर 1 ईयर ऑफ एज इज़ एब्सोल्यूट नो नो। उससे बॉटुलिज्म नाम का एक इन्फेक्शन होता है बच्चों को, इसीलिए हनी को नहीं देना चाहिए। सो प्लीज़ गाइज, इफ़ यू फील कि आप हनी चटा देंगे, आप हनी लगा देंगे, आप सूदर्स पे हनी लगा देंगे, वो आपको नहीं करना है, बिकॉज इट इज़ नॉट गोना हेल्प योर चाइल्ड टू स्लीप। इन फैक्ट देर इज़ अ चांस दैट योर चाइल्ड विल बी इफेक्टेड बाय सम और द अदर काइंड ऑफ इन्फेक्शन। द सेकेंड मिथ इज नेवर वेक अ स्लीपिंग बेबी अप। रियली? देर आर चिल्ड्रन हु स्लीप्स वेल। आई हैव माई एल्डर वन जो बहुत अच्छी नींद सोता था और उसे उठा कर फीड कराना पड़ता था, एंड ट्रस्ट मी व्हेन आई एम सेइंग दैट, बिकॉज मुझे पता है बहुत सारी मदर्स का यही क्वेश्चन होता है कि हमारा बच्चा सोता नहीं है, वो रात को सेटल नहीं है, वो दिन में सेटल नहीं है। आई अग्री टू इट, बट देर आर सम चिल्ड्रन हु स्लीप्स वेल, और उनको उठा कर ही आपको यू नो फीड कराना पड़ता है, उनको खिलाना पड़ता है, एंड यू हैव टू मेक श्योर that they stay awake for a small amount of time. The maximum gap that you can give per feed is of 5 hours. 5 hours से ज़्यादा अगर बच्चा सोता है, आप प्लीज़ उन्हें उठाइए और उन्हें अपना फीड ज़रूर कराइए। The third myth is कि बच्चों को दिन में सुलाना या what we call as naps aren't necessary. बहुत सारे पेरेंट्स को मैंने देखा है कि वो अपने बच्चों को दिन भर जगाए रखते हैं, उनके साथ मशक्क़त करते हैं जस्ट बिकॉज के वो रात को सो जाएंगे। But trust me guys, what you are inducing is not sleep. You are inducing is frustration and a angry behavior into the child. Just because बच्चों को वो नैप की ज़रूरत होती है, especially अगर आपके बच्चे 3 साल से छोटे हैं, उनको दिन की एक नैप, दो नैप ज़रूर चाहिए according to their age of course. Because अगर बच्चों को वो नैप नहीं मिलती, वो frustrated होते हैं, वो angry होते हैं, वो anxious होते हैं, उससे उनकी रात की नींद पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता। In fact, let me tell you कि अगर बच्चा आपका दिन में ठीक से नहीं सो रहा, वो रात को भी ठीक से नहीं सोगा। सो अगर आपको चाहिए कि आपका बच्चा थ्रू आउट द नाइट सोए, यू हैव टू मेक श्योर दैट यू हैव टू कीप देम इन रूटीन एंड यू हैव टू मेक श्योर कि उनको उनका दिन का नाप ज़रूर मिले। द फोर्थ मिथ दैट आई हैव हर्ड ऑफन इज दैट बेबीज गेट सेटल बाय द एंड ऑफ 3 months. Really? Who told you that babies will sleep throughout the night after 3 months? You know what? That completely depends on child to child. Like I said, मेरा elder one जो था वो already he was good at sleeping and he was settled by the end of let's say 40 or 50 days. But my younger one, he is right now 2.8 and trust me, he has just started sleeping throughout the night. So there is no foundation कि हर बच्चे का routine 3 महीने के बाद settle हो जाता है. That completely depends on child to child and in fact mother to mother. And the fifth and the most common myth that I have heard in Indian households is that rye pillow actually molds the baby's head during sleep. Guys, I have done an extensive research on it and there are no scientific facts to prove ki rye ka pillow se aapke bachon ka sar gol hota hai, and this is a complete myth because again I am a mother of 2 boys and I faced the situation. Darush's head actually went flat because wo ek hi side sar karke sote the, in fact wo sote bhi the to unka sar aise hota tha, to unka ye portion flat ho gaya tha, and you know talking to the doctor he in fact said that rye pillow won't help. Wo apne aap hi wo you know changing the positions for sleeping will help me the most rather than a rye pillow. So, अगर आपको लगता है कि बच्चों को राय के पिलो पे सुलाना चाहिए, दैट इज़ अ कम्प्लीट मिथ। इनफैक्ट
Children do not need pillow before 3 years of their lives. Their spine is not yet developed to manage with the pillow. And in fact, SIDS, that is sudden infant death syndrome, ka khatra badh jata hai when you are using a pillow on your child. Iske baare mein maine ek apni previous video mein baat bhi ki hai. I will link that here and you can go and check that out. So guys, that's all for today. These are my 5 top myths regarding baby sleep. Just in case you wish to have other information regarding parenting, do hit that subscribe button and do follow me on Monday, Wednesday and Friday because I upload content on these days. Till then, stay safe and stay subscribed and make sure that you share the videos. Bye-bye.